पिछली क्लास में अपन ने सभी एडवांस जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, अर्थात प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, उनकी एंट्री करना अपन ने सीखा था। आज अपन सीखेंगे ऐसे एक्सपेंसेस जो जिनकी सेवाएं तो ले ली हैं परंतु उनका भी भुगतान नहीं किया गया है, जिनको अदत्त व्यय हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और हिंदी में अदत्त व्यय। अदत्त व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनकी सेवाएं ले ली गई हैं परंतु उनका भुगतान अभी देना बाकी है। आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं, वे सभी एक्सपेंसेस जो अभी देना बाकी है वो सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अदत्त व्यय कहलाते हैं। अब यहां पर अपन सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहे हैं अपन। यहां अपन लिखेंगे किराया देना बाकी है, फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर किराया देना बाकी है माना कि 7,000 रुपये, फिर कमीशन देना बाकी है, फिर ₹4,000 वेतन देना बाकी है, 8,000 रुपये। अपन यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि किराया देना बाकी है, या फिर अपन लिख सकते हैं अभी किराया नहीं दिया गया है या किराया नहीं चुकाया गया है, ये किराया अभी देना शेष है। इस तरह से यदि आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सपेंसेस तो है, उस एक्सपेंसेस की सेवाएं तो ले ली हैं परंतु अभी उनका भुगतान नहीं किया गया, तो वो कहलाएंगे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अर्थात अदत्त व्यय। अपन लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहां अपन लिख लेते हैं प्रीपेड। ये अपन ने पिछली क्लास में प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री करना सीखा था। अब अपन ये एंट्रियों को किस तरह से करेंगे रिकॉर्ड में, वो अपन समझ लेते हैं। सबसे पहली एंट्री है किराया देना बाकी है। किराया देना बाकी है, आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि जब देना बाकी है मतलब अपने पास से कैश नहीं गया और अपने पास कैश आया भी नहीं, जब कैश जाएगा भी नहीं और कैश आएगा भी नहीं। ऐसी कंडीशन में ये तो क्लियर हो गया कि आप एंट्री कंप्यूटर में टैली के अंदर जनरल F7 के अंतर्गत कर देंगे। अब इसमें आपको यहां पर कैसे करना है वो अपन को सीखना है। अदत्त जो अपने एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने लिए दायित्व होते हैं, और एक नियम है सभी संपत्तियों को डेबिट अर्थात बाय करते हैं, सभी दायित्वों को टू करते हैं। तो आपको याद रखना है कि सारे के सारे दायित्वों को अपन टू करते हैं अर्थात क्रेडिट करते हैं। इसलिए अपन जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपन लिखेंगे अपन उन सबको टू करेंगे, और बाय में लिखेंगे एक्सपेंसेस का नाम। जैसे अपन ने सबसे पहला है अपना किराया देना बाकी है, तो अपन यहां पर लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट।
और टू में लिखेंगे अपन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आपको सारी एंट्री इसी तरह से करना है। बाय में लिखेंगे उस एक्सपेंसेस का नाम जो देना बाकी है, और टू में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग और उसी एक्सपेंसेस का नाम। कितना है अपन अमाउंट लिखेंगे, जैसे कि 7,000 रुपीज है या 7,000 रुपये है। अपन ने यहाँ पर 7,000 रुपये लिख दिया है। नरेशन लिख देंगे अपन बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट एंटर्ड। अगली एंट्री है कमीशन देना बाकी है। अब आपको क्या करना है, जो एक्सपेंसेस है इसका नाम बदलते जाना है। सारी एंट्रीज का नियम आपको यही ध्यान में रखना है कि सारे जो भी अपने अदत्त व्यय हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अपन टू में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नाम और बाय में लिखते हैं एक्सपेंसेस का नाम। तो अपन ने देखा कमीशन है अगला एक्सपेंसेस, तो अपन बाय में लिखेंगे कमीशन। अपन ने लिखा बाय में कमीशन अकाउंट, और टू में लिखेंगे अपन आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो अपन टू में लिख देते हैं यहां पर आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, ये अपन ने लिख दिया है। अमाउंट अपन लिख देंगे 4,000 रुपये है अमाउंट, तो अपन ने लिख दिया है 4,000 रुपये। इसी प्रकार अपन अगली एंट्री करना सीख रहे हैं। वेतन देना बाकी है, तो यहां अपन सैलरी लिख देंगे। अपन ने लिखा बाय सैलरी अकाउंट, टू में लिखेंगे अपन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट कितना है वो अपन ने देख कर लिखा। इस तरह से बच्चों आप लोगों को एंट्री करना आया। आप सभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री कर लेंगे इस तरह से। बाय हाँ में एक्सपेंसेस का नाम लिख देना और टू में उसी एक्सपेंसेस के आगे आउटस्टैंडिंग लगाकर लिख देना। तो हमने जैसे आप बोला बताओ आदत्त किराया, तो आप बोलेंगे बाय रेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अगर हम पूछेंगे आपसे कमीशन के रुपए देना बाकी है, तो आप बोलेंगे बाय कमीशन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। हमने बताया सैलरी के रुपए देना बाकी, आप बोलेंगे बाय सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो बताओ बच्चों किराया देना बाकी है। बाय रेंट अकाउंट टू हाउस आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताओ वेतन देना बाकी है। निकी का भी सही है। अगला बताओ कमीशन के 4,000 रुपये देना बाकी है। बाय कमीशन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। प्रियंका का भी सही है। अब आप लोगों को बताना है अगला आवक गाड़ी भाड़ा देना बाकी है। मैं अकाउंट अकाउंट तो बाय बिल्कुल सही है निक्की का। अगला बताओ विज्ञापन व्यय अभी देना बाकी है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग टू एडवर्टाइजमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइज अकाउंट। सही है, अपन ऐसा लिख सकते हैं बाय
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो प्रियंका का ठीक है, उसके बाद अगला बताओ। मजदूरी के 1,000 रुपये देना बाकी है। बाय वेजेस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक है, निक्की प्रियंका दोनों का सही है। सर अगला इसमें जैसे बताओ। जितने भी अपने एक्सपेंसेस के एंट्री आए, वेजेस हुआ और जो कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, ये सारी एंट्री इसमें इसी तरीके से होंगी। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं सभी एक्सपेंसेस को आप बाय में एक्सपेंसेस का नाम आपको लिख देना है, और टू में आप उसी एक्सपेंसेस के आगे आउटस्टैंडिंग लगाकर लिख देंगे। इस तरह से आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो किसी कोई दिक्कत तो नहीं है इस एंट्री में, कर लेंगे अपन टैली में करें। अपन इन एंट्रियों को टैली में करना सीख लेते हैं। अपन अपनी कंपनी ओपन करेंगे, फिर अपन यहाँ पर वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस कर रहे हैं। और आपको याद रखना है कि जब भी अपन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे तो वो सभी एंट्री आपको F7 में अर्थात जनरल में करना है। जनरल में क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि कैश आएगा भी नहीं और कैश जाएगा भी नहीं। क्यों? किराया देना बाकी, कमीशन देना बाकी, जो देना बाकी उसकी एंट्री करना है अपन को महीने या वर्ष के अंत में। तो जैसे अपन करते होंगे मेंटेन अकाउंट, वैसे एंट्री करेंगे, लेकिन उससे कैश आएगा भी नहीं, कैश जाएगा भी नहीं, इसलिए अपन उसकी एंट्री जनरल में F7 में करेंगे। बाय में लिखेंगे अपन एक्सपेंसेस का नाम, जैसे अपना एक्सपेंसेस का नाम यहां पर था सबसे पहले किराया देना बाकी, तो अपन बाय में लिख रहे हैं रेंट अकाउंट कितना है, अपन अमाउंट लिखेंगे 7,000 रुपये में। हाँ 7,000 रुपये में। और टू में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब हमें टू में लेजर तैयार करना पड़ेगा, अपन वाउचर एंट्री में है और हमें लेजर तैयार करने के लिए यहीं से डायरेक्ट शॉर्टकट की का यूज करना है। कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम यहाँ से डायरेक्ट लेजर पर पहुंचते हैं, बताओ बच्चों? ऐसी कौन सी शॉर्टकट की? हाँ बिल्कुल, ये अल्टर सी जो आपने बताया है जवाब सही है। अपन अल्टर सी प्रेस करके डायरेक्ट लेजर पर पहुंच सकते हैं और यहाँ पर अपन लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे आउटस्टैंडिंग नेम में अपन ने लिखा आउटस्टैंडिंग और रेंट था या कुछ और था देख लें अपन। हाँ रेंट था, अपन ने लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब ये जो आउटस्टैंडिंग जो रेंट है ये अंडर में कहां पे आएगा ये कौन बताएगा? आप बताओ अपन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को अंडर में कहां भेजें? करेंट लायबिलिटीज में आएगा। ये आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये आएगा करंट लायबिलिटीज में। यहां पर मैं करंट लायबिलिटीज में सबको डालेंगे, इंटर दबाते चलेंगे अपन। इस तरह से आपकी एंट्री टैली के अंदर हो जाएगी। बाय में आपने लिख दिया रेंट अकाउंट, टू में लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, एंटर प्रेस करेंगे और यहां अपन नरेशन लिख देंगे। एंटर पर एंटर। इसके बाद अपन जब भी डेट चेंज करते हैं F2 से डेट चेंज कर लेते हैं अपन। अगली एंट्री अपन करेंगे अब कमीशन।
तो बाय में लिखेंगे अपन कमीशन अकाउंट, अमाउंट कितना है वो अपन लिखेंगे, और टू में लिखेंगे अपन आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन का हमें लेजर तैयार करना है, तो अपन ने अल्टर सी प्रेस कर दिया है। और अपन ने लिखा आउटस्टैंडिंग कमीशन, अपन लिख दिया है आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। अपन अंडर में देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग जो कमीशन है ये अंडर में कहाँ आएगा, तो आप सबको पता है, बताओ बच्चों कहाँ आएगा? बताओ बच्चों आउटस्टैंडिंग कमीशन कहाँ आएगा? हाँ, आप सबको याद रखना है कि सारे के सारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये सब करंट लायबिलिटीज में ही आएंगे। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं अदत्वे हैं, आपको सबको करंट लायबिलिटीज में डालते चलना है। इस तरह से अपन एंट्री कर लेते हैं। फिर अपन दोबारा से एंट्री करेंगे। अगली एंट्री है अपनी लास्ट एंट्री, वेतन देना बाकी है। अपन लिखेंगे बाय में सैलरी अकाउंट, कितना देना बाकी है वो अपन लिख देंगे, 8,000 रुपए है। टू में लिखेंगे अपन आउटस्टैंडिंग सैलरी, अल्टर सी से अपन ये अपन सैलरी की जगह सेल्स लिया है, यहाँ अपन को सेल लेना पड़ेगा। शायद सैलरी का लेजर अपन ने अभी बनाया नहीं था, तो अपन को सबसे पहले तो लेजर बनाना पड़ेगा सैलरी का। अल्टर सी से बनाएंगे अपन। बताओ बच्चों सैलरी अकाउंट अंडर में कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, ये जवाब बिल्कुल सही है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और टू में लिखेंगे अपन आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ अपन बना लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, अल्टर सी प्रेस करेंगे अपन, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और इंटर प्रेस कर देंगे अपन। अंडर में कहां पर आएगा बच्चों ये? बताओ बच्चों किसमें? करंट लाइबिलिटीज। हाँ, सही जवाब है, सारे के सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये सब आपको करंट लाइबिलिटीज में भेजना है। इस तरह से आप वाउचर एंट्री कर लेते हैं। तो आप सभी को नरेशन लिखेंगे, आप बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट या कमीशन जो भी है, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट एंटर्ड, मतलब अदत्त किराए का एंट्री की, अदत्त कमीशन की एंट्री की, तो बीइंग आउटस्टैंडिंग कमीशन एंटर्ड या बीइंग एंटर्ड आउटस्टैंडिंग कमीशन। अपन सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, अपन अभी दे नहीं रहे, इसलिए आप इसमें भुगतान कर नहीं लिख सकते, या बीइंग पेड आप नहीं लिख सकते। पेड तब लिखते हैं जब आप उसको किसी को रुपए दे रहे हैं, आप सिर्फ एंट्री कर कर रख रहे हैं। या बीइंग आउटस्टैंडिंग कमीशन लिख तो भी चलेगा, बीइंग आउटस्टैंडिंग कमीशन, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट तो भी चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका अदत्त किराया, अदत्त वेतन, ये मतलब होता है। तो उससे भी क्लियर हो जाएगा आपका जो वेतन है अदत्त है, किराया अदत्त है या देना बाकी है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और कोई समस्या बताओ बच्चों?
ठीक है, तो अपन अब ऑन क्लास कर लेंगे। सभी के लिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम।